आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों से। अब तक कम खतरनाक समझे जाने वाले ओमिक्रॉन ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। ओमिक्रॉन से बीते 24 घंटे में 13 मौतें हुई हैं। पूरे देश में अब तक 220 से अधिक ओमिक्रॉन के मामले पाए गए हैं। WHO ने फिर से चेतावनी दी है कि ओमिक्रॉन का तूफान आ रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चेताया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने चिट्ठी में कहा है कि ओमिक्रॉन स्वरूप डेल्टा की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक संक्रामक है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी सेवाओं को सक्रिय किए जाने के साथ ही जिला और स्थानीय स्तर पर सख्त रोकथाम करवाई जानी चाहिए। तो देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो भी नया मामला सामने आता है उसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करी जा रही है ताकि उसके संपर्क में जितने भी लोग हैं, जितने भी संक्रमित हैं, उनका टेस्ट किया जा सके और उन्हें भी आइसोलेट किया जा सके ताकि ये मामले और लोगों तक ना पहुंचे। 202 मामले देश में सामने आ चुके हैं। वहीं पूरे 24 घंटे में अभी तक 202 मामले कुल हो चुके हैं। जितने भी मामले अभी तक आए हैं देश में तो 202 संख्या पहुंच गई है। वहीं बात करें पूरी दुनिया की तो अभी तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है ओमिक्रॉन नाम के वेरिएंट की वजह से। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, कोरोना के मामले अब 220 हो चुके हैं, तो 220 मामले कितनी तेजी से बढ़े हैं देश में और आने वाले समय में ये कितनी तेजी से और बढ़ सकते हैं? जी, आपको बता दें कि अब तक पूरे देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसके 202 केसे आ चुके हैं। वहीं एक बार फिर महाराष्ट्र में इसका केंद्र बनते हुए दिख रहा है, जहां महाराष्ट्र में 65 मामले आए हैं। वहीं दिल्ली में 45, उत्तर प्रदेश में 2 मामले आए हैं, गुजरात में 14 और जम्मू में 3 मामले। हेलो जी जी विभांशु, 220 मामले आए हैं और ये तेजी से बढ़ रहे हैं। 220 मामले अब तक सामने आ चुके हैं और ये तेजी से बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसको लेकर एक सवाल राहुल गांधी ने भी उठाया है कि वैक्सीन की 100 डोजे लगा दी गई है तो आखिर बूस्टर कब लगाया जाएगा। और वहीं इंटरनेशनल फ्लाइटों को भी बैन कर दिया गया है और इसको लेकर सरकार भी समीक्षा बैठक, प्रधानमंत्री कल एक समीक्षा बैठक करेंगे। और आपको बता दें कि साउथ इंडिया की जो देशें हैं जिसे केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, वहां पे इसको लेकर सरकार पूरी तैयारी हो कर चुकी है और 1 जनवरी और क्रिसमस डे के दिन जो आयोजन किए गए हैं इसके सभी कार्यक्रमों को रद्द करने के आदेश दे दिए हैं। जी विभांशु, कोरोना के चलते सभी कार्यक्रम एक बार फिर से रद्द हो रहे हैं, देश में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे देखने को मिल रही हैं? जी आपको बता दें कि स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात की जाए तो अभी उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि एक भी मौत ऑक्सीजन और पीपीई किट और या जो भी चीजों की किल्लत थी ऐसी नहीं हुई है। तो साफ तौर में सड़कों पे आपने देखा कि लोग कैसे ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे और बेड के लिए अपने हर एक फूल को लगा रहे थे और पाने की कोशिश कर रहे थे। और तैयारी की अगर बात करें तो देखना होगा कि तीसरी लहर में सरकार कितनी तरह तैयार है। आगामी जो ओमिक्रॉन वेरिएंट जो फैल रहा है इसके लिए सरकार क्या काम करती है ये देखने लायक होगा। जी विभांशु, ये कहा जा रहा था वैज्ञानिकों द्वारा कि WHO की तरफ से अभी चेतावनी भी सामने आ गई है और वैज्ञानिकों द्वारा कहा जा रहा था कि तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक साबित होगी और ये भी कहा जा रहा था कि जल्द ही बच्चों के लिए भी वैक्सीन आएगी, लेकिन अभी तक वैक्सीन का कोई नामो निशान नहीं नजर आ रहा है। क्या कहेंगे, कब तक आ सकती है वैक्सीन? जी आपको बता दें कि IIT के प्रोफेसर ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो होगा वो फरवरी में पीक पे जाएगा और 1 महीना चलेगा। और टीके की अगर बात करें तो इसमें एक बूस्टर पैक लगाया जाएगा। देखना होगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय बूस्टर पैक कब तक लोगों को लगाता है और ये देखने वाली बात होगी। जी विभाषियों, ओमिक्रॉन के लक्षण बहुत ही सामान्य से हैं तो इंसान कैसे पता करे कि उसे जो लक्षण है वो सिर्फ नॉर्मल सर्दी जुकाम के हैं या फिर कोरोना के हैं और कैसे इंसान जांच करवा सकता है समय पे? बता दें कि कोरोना से ये 3 गुने की रफ्तार से ओमिक्रॉन फैल रहा है और ये तभी होगा जब टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाएगी
और टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ाई जाएगी। अब देखना ये होगा, अब वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती होगी कि ओमिक्रोन का जो एक बूस्टर डोज लगाया जा रहा है उसको जल्द से जल्द तैयार करके और लोगों को लगाया जाए। जी, तो जितने इंतजाम किए जा रहे हैं, जनता को एक बार फिर जागरूक किया जा रहा है जनता के बीच, लेकिन अभी भी लापरवाही देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? जी, आप साफ तौर पे सर कि 50% के साथ मॉल और जो भी सामाजिक जगह है उसको 50% पे खोलने की अनुमति है, मगर इस आदेश का पूरी तरह पालन नहीं किया जा रहा है। लोग मास्क लगा के नहीं चल रहे हैं और अगर बात करें राजनीतिक दलों की तो कोई विजय उत्तर प्रदेश चुनाव है, उसमें साफ तौर से हम कह सकते हैं कि चुनाव में जब आचार संहिता लग जाएगी और जब फरवरी में वोटिंग का समय आएगा तो उस समय ओमिक्रोन अपने अव्वल दर्जे पे रहेगा। अब सरकार को इससे रोकथाम के लिए क्या करना होगा और इलेक्शन कमीशन को भी ये चुनौती होगी कि ओमिक्रोन को बढ़ते हुए रफ्तार जो बढ़ रही है उसमें चुनाव आयोग कैसे चुनाव को करवाता है। जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है और देखना यही होगा कि आखिर कैसे सावधानी के साथ चुनाव कराए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु जुड़े थे। तो कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है, रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। खबर गाजीपुर से है जहां बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। योगी सरकार के एंटी माफिया अभियान के तहत पुलिस प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की 10.10 करोड़ की बेनामी संपत्ति कुर्क कर ली है। पुलिस प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत शहर के महुआ बाग इलाके में स्थित मुख्तार की मार्केट कुर्क कर ली है। ये संपत्ति मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी और बेटे अब्बास अंसारी के नाम पर थी। शहर के बीचों बीच मुख्तार की इस मार्केट में 17 दुकानें बनी हुई हैं। कुर्की की कार्रवाई के तहत पुलिस प्रशासन ने इन सभी दुकानों को सीज कर दिया है। इसके पूर्व इस बिल्डिंग के ऊपरी तले पे भी बना मुख्तार अंसारी का होटल गजल भी पुलिस प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। फिलहाल बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, जिससे मुख्तार गैंग में हड़कंप मचा हुआ है। तो मुख्तार अंसारी पर एक बार फिर सरकार का डंडा चला है, शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है सरकार का। और इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता पवन मिश्रा जुड़ चुके हैं गाजीपुर से। पवन, जिस तरह से पूरी प्रॉपर्टी सीज करी जा रही है, कुर्क करी जा रही है, जमींदोज करी जा रही है, जो शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? जीरो टॉलरेंस की नीति है, इसी के तहत गाजीपुर पुलिस द्वारा IS-191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की 10 करोड़ 10 लाख की बेनामी संपत्ति को कुर्क किया गया है। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के आदेशानुसार गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(a) के तहत ये कार्रवाई की गई है। जी पवन, हम ये भी जानना चाहेंगे कि बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की अभी तक कितनी प्रॉपर्टी कुर्क की जा चुकी है? लगभग इस गैंग की लगभग 14 करोड़ संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है, 54 करोड़ संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है जी। और ये इनका गजल होटल था जो कि ऊपरी इमारत को इसके पहले भी इसकी ध्वस्तीकरण हो चुकी है और जो बाकी नीचे की बची हुई थी इसको गैंगस्टर एक्ट के कार्रवाई के तहत इसको कुर्क किया गया आज। जी पवन, जितने भी मुख्तार अंसारी के जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उन सभी की प्रॉपर्टी कुर्क की जा रही है, क्या कहेंगे इस पे? जी, हम आपको बता दें कि ये मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी के नाम पर ये संपत्ति थी और मुख्तार अंसारी के ऊपर लगातार प्रदेश सरकार कार्रवाई कर रही है जिससे इनके संबंधितों में काफी खलबली मची हुई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता पवन मिश्रा जुड़े हुए थे गाजीपुर से।
वहीं खबर कन्नौज से है, जहां पर घर के बाहर आग ताप रही 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची को अकेला पाकर सुनसान जगह ले जाकर इस घटना को अंजाम दिया गया। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर जमकर पीटा। सूचना मिलने पे मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा है। मौके पर SP प्रशांत वर्मा पहुंचे और ये घटना छिबराव मऊ कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है। जनपद कन्नौज के थाना छिबरा मऊ क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियोग पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण हेतु सौसैया अस्पताल में लाया गया है, जहां पर उसकी स्थिति ठीक है। इस संबंध में कठोरतम कार्रवाई कर शीघ्रातिशीघ्र आरोपी को दंडित करवाया जाएगा। हमारा नाम शंभुजाल देवी जी, क्या मामला हुआ है? मामला लालकपुर में एक लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला हुआ। आप लोगों को जानकारी कैसे हुई, कब हुई? हमको तो थाने से फोन गया था कि क्या मामला है, तब ने जानकारी की। बच्ची की लगभग उम्र कितनी होगी? बच्ची की उम्र लगभग 4 साल। अभी फिलहाल कहाँ है बच्चे? बच्ची अभी अस्पताल में है। कन्नौज से एक खबर सामने आ रही है, जहां 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची अपने घर के पास ही आग ताप रही थी, जब उसे सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि दुष्कर्म का ये जो मामला सामने आया है, बच्ची को अकेला पाकर सुनसान जगह पर ले जाकर घटना को अंजाम दिया गया है। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर जमकर पीटा। आपको बता दें कि आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जिसके बाद उसकी काफी पिटाई करी गई और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया है, जहां पीड़िता अभी अस्पताल में है, उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। मौके पर SP प्रशांत वर्मा पहुंचे और ये घटना छिबरा मऊ कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां पे 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। तो आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं कानून का खौफ नहीं है इन अपराधियों में, जिसकी वजह से ये खबरें सामने आ रही हैं। 4 साल की मासूम बच्ची के साथ ये दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है, जो कि एक घृणित अपराध है। कन्नौज से ये खबर सामने आ रही है। पुलिस ने हिरासत में ले लिया है अपराधी को। ग्रामीणों ने अपराधी को पकड़ लिया और उसके बाद उसकी जमकर पिटाई भी की गई ग्रामीणों द्वारा। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता राम ऋषि पांडे जुड़ चुके हैं। राम, कन्नौज से जो ये खबर सामने आ रही है, 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, क्या कहेंगे इस पे? पूरा छिबरा मऊ कोतवाली का मामला है। 4 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था। लगभग ये घटना लगभग शाम 9 बजे हुई है जी। आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है और उसको जेल भेज दिया है जी। राम, जब ये खबर घर वालों को मिली तो कितनी देर से बच्ची लापता थी? देखिए, बच्ची जो है घर के बाद बाहर जो है ताप रही थी और वहां पर एक पड़ोस में झगड़ा हो गया था। झगड़ा के दौरान सारे लोग जो है झगड़ा देखने के लिए चले गए। उसी समय ये युवक आया और उसके साथ वारदात को अंजाम दिया जी। बच्ची की हालत कैसी बताई जा रही है राम? बच्ची की हालत कभी ठीक है फिलहाल, अभी उसको जो है कन्नौज मेडिकल के लिए भेज दिया गया है जी। आरोपी के खिलाफ किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है राम? आरोपी के खिलाफ बहुत संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है जी, और आगे की भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। और आपको एक ये भी बता दें कि जो आरोपी था उसने पहले वहां पर जो बच्ची ताप रही थी अलाव के पास, उसके साथ भी उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की। हम अभी उसके गांव भी गए थे तो लोग वहां बता रहे थे कि ये जो है आरोपी बहुत ही शातिर किस्म का है जी। और ये हाँ, इसकी जो है शादी हो चुकी है। शादी के जो उसकी पत्नी थी उसकी जो है उसने छोड़ दिया है। पत्नी ने मतलब दूसरी शादी कर ली। अब ये आवारा की तरह घूमता है चारों तरफ जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता राम ऋषि जुड़े थे कन्नौज से।
वही खबर कन्नौज से है, जहां पर घर के बाहर आग ताप रही बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। खबर फरुखाबाद से है, जहां कोतवाली कायमगंज के परी अस्पताल में परिजन गर्भवती महिला की डिलीवरी कराने आए थे, जहां महिला की हालत बिगड़ने पर अस्पताल में कोई भी डॉक्टर और नर्स मौजूद नहीं थे, जिसके चलते प्रसूता की तड़प तड़प कर मौत होने के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। हंगामा बढ़ता देखकर अस्पताल का पूरा स्टाफ महिला को छोड़कर फरार हो गया। सिवारा से थोड़ा जस्ट अगला 4-5 किलोमीटर। क्या नाम है? आरती। क्या हो गया? इसे डिलीवरी थी इसकी, हम यहाँ पर लेके आए, हमने डॉक्टर साहब से बात की, डॉक्टर साहब बोले कि यहाँ पर अल्ट्रासाउंड दिखाओ, अल्ट्रासाउंड कि हाँ ठीक है, हम मालूम ऑपरेशन भी होगा, ब्लड की जरूरत पड़ेगी, ब्लड भी है अपने पास, सारी सुविधाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं, और मान लीजिए ऑपरेशन कर देंगे। कौन से अस्पताल लेके आए थे? परी हॉस्पिटल। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसे जब सुबह की पारी 4:30 बजे जब इसकी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हुई, तो डॉक्टर साहब बोले जब इसका बच्चा पेट में ख़त्म हो गया, इसके मुंह से झाप निकलने लगा, तब इंजेक्शन लगाने के कारण ये बोले कि इसे बाहर लेके जाओ, तो जब तक हमने इसके बेड पे उठाया तब तक ये लड़की ख़त्म हो गई। तो कितना पैसा आपसे लिया? सारा शुरू से एंड तक का हमारा खर्चा 1.5 लाख रुपये हो गया। अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां गर्भवती महिला दर्द से तड़प रही थी, तड़प तड़प कर मर गई, लेकिन कोई भी मेडिकल स्टाफ उसे देखने तक नहीं आया, महिला उसका बच्चा दोनों मर गए। फरुखाबाद से ये खबर सामने आ रही है, और हमारे साथ संवाददाता सुंदरम जुड़ चुके हैं फरुखाबाद से। सुंदरम, कितनी देर तक महिला तड़पती रही अस्पताल में? उन्हें शाम 6 बजे भर्ती कराया था, और जब उन्हें सूचना मिली सुबह 4 बजे महिला की मृत्यु हो गई थी। परिजनों का एक आरोप है कि वहां पर कोई एक ट्रेंड स्टाफ नहीं था, और उनके स्टाफ के द्वारा, जो स्टाफ वहां पे था, उसके द्वारा एक गलत इंजेक्शन लगाया गया, जिससे महिला के मुंह में झाग आने लगा और महिला की तड़प तड़प मृत्यु हो गई, क्योंकि वहां पर कोई भी ट्रेंड स्टाफ नहीं था और डॉक्टर तो वहां पर कोई था ही नहीं। जी सुंदरम, हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चे की मौत पहले हो गई थी, उसके बाद गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से महिला की मौत हुई है, या फिर जो उसको तड़पती रही इस वजह से उसकी मौत हुई? जी, गलत इंजेक्शन जो लगाया गया, उसके बाद महिला के मुंह से झाग आने लगा और वहां पर कोई भी उन्हें प्राथमिक उपचार नहीं मिला, ऐसे तरफ तरफ महिला की मौत हुई। और इसमें जो कहा जा सकता है कि महिला की मौत की जो सबसे बड़ी जिम्मेदार है वहां का स्टाफ है, अगर वहां पर सबसे पहले गलत इंजेक्शन लगाया जाता, अगर वहां पर कुछ ऐसी घटना हो गई तो उसको त्वरित उपचार दिया जाता, शायद महिला की जान बच सकती थी। जी, तो जिस तरह से अवैध अस्पताल चल रहे हैं और इस तरह से झोला छाप डॉक्टर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? क्या और भी ऐसे मामले आए दिन आते रहते सामने? जी, ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी एक दिन पूर्व ही घटना हुई थी, जहां पर पथरी का इलाज कराने आई महिला अवैध अस्पताल के चंगुल में फंसी, वहां पर उससे पहले 20,000 रुपए जमा कराए गए और फिर 1 लाख रुपए और भी मांग की गई, जब उसकी तबीयत बिगड़ी और जब वो वहां के उनके महिला के परिजनों ने रुपए जमा करने में असमर्थता जताई, तो महिला को वहां पर डिस्चार्ज नहीं किया गया, महिला को बेहोशी की हालत में तब निकाला गया जब उन्हें लगा कि महिला बिल्कुल मृत है। और ऐसी घटनाएं निरंतर होती रही है, फिर भी यहां का जो जिला प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग है, बिल्कुल सोया हुआ है, वो कार्रवाई नहीं करना चाहता है, क्योंकि एक घटना हो, दो घटना हो, लेकिन जब रोज वहां पर एक घटना होती है, दो घटनाएं होती है, निरंतर एक तरीके से रूटीन बन जाता है ऐसी घटनाओं का, तो माना जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई नहीं करना चाहता है। सुंदरम, जो ये जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग है, क्या इनके पास ये खबरें नहीं पहुंच रही है या इसका संज्ञान लेना ही नहीं चाहते हैं? ये खबरें तो निरंतर पहुंच रही हैं, हर जगह प्रकाशित हो रही हैं, चैनलों में चल रही हैं खबरें, अगर खबर एक दिन की हो तो हो सकता है कि चलिए नहीं पहुंची, लेकिन निरंतर अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कोई एक दिन का वाक्य नहीं है, ऐसी ही एक घटना शहर में पूर्व में हुई थी, 3 दिन पूर्व भी वहां पर महिला का ऑपरेशन के दौरान बच्चा दानी निकाल ली गई थी, जिससे कि महिला की इतनी हालत गंभीर हो गई थी, तो आज भी वो लगभग 7 दिन हो चुके हैं उस घटना को, तो वह अभी भी आईसीयू में अपनी जीवन की जंग लड़ रही है, फिर भी प्रशासन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर रहा है। लगभग ऐसे हमारे हिसाब से अंदाजा जो लगाया गया, 150 से अधिक अवैध अस्पताल जनपद फरुखाबाद में चल रहे हैं। जी सुंदरम, क्या पुलिस को इस खबर की जानकारी दी गई है? जिस तरह से महिला और उसके बच्चे की मौत हुई है, तो किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है? जी, एक कोतवाली कायमगंज क्षेत्र का मामला था, वहां पर पुलिस को सूचना दी गई, पहले तो वहां पर जो प्रशासन था वो मामले को दबाने में लगा, लेकिन परिजनों द्वारा पोस्टमार्टम कराने के बाद वहां पर तहरीर के लिए भी कहा गया था, और वो चाहते हैं कि इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो और उनको इंसाफ मिल सके, तो उन्होंने तहरीर दी है और पुलिस तहरीर के आधार पर कार्रवाई कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता सुंदरम जुड़े थे फरुखाबाद से। चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी, अभी तक आप देख रहे थे जियो टीवी एमएक्स प्लेयर पर, और अब ये आ गया है नेटविजन के चैनल नंबर 241 पर।